जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी आई है, इसके अंदर एक कांस्टेबल ब्यूगलर की पोस्ट है, जिसके अंदर आपकी जॉब प्रोफाइल वगैरह, सैलरी, प्रमोशन के संबंध में मैंने वीडियो बनाया था। तो उसके ऊपर एक भाई ने कमेंट किया कि सर, अगर हम ब्यूगलर से भी फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और हमने एसएससी जीडी से भी फॉर्म अप्लाई कर रखा है और हमारा मतलब एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो जाए, ब्यूगलर में भी हो जाए, तो हम दोनों में से कौन सी जो पोस्ट होगी वो हमको ज्वाइन करनी चाहिए, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंट है, दोनों के अंदर कौन सी बेस्ट है, कौन सी पोस्ट के ऊपर क्या नुकसान है, क्या फायदा है, तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को अभी तक लाइक इन लाइक जरूर कर लेना। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, एसएससी जीडी के अंदर अगर आपका सिलेक्शन हो जाए और आपने कांस्टेबल ब्यूगलर से फॉर्म अप्लाई कर दिया और हम मान के चलते कि दोनों के अंदर मान लो कि आपका ये सिलेक्शन हो जाता है, तो सबसे पहले हम इसके हर अंतर की बात करेंगे। इसके अंदर आपकी जॉब प्रोफाइल हो गई, सैलरी हो गई, प्रमोशन हो गया, एलडीसी एग्जाम हो गए, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, पूरे अगर बात करें। सबसे पहले अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो एसएससी जीडी से जो जवान आता है, यानी कांस्टेबल जीडी होगा, जनरल ड्यूटी से भर्ती होता है वो, तो जो जनरल ड्यूटी होती है सीआरपीएफ के अंदर जवान की, वो आप ये मान के चलो कि जीरो से लेकर हीरो तक की सभी ड्यूटी एक जीडी का जवान करता है। ये मान के चलो ऑपरेशन ड्यूटी हो, चाहे वो कैंप सिक्योरिटी है, कैंप मेंटेनेंस है, एडम ड्यूटी है, ऑफिशियल ड्यूटी है, हर प्रकार की जो ड्यूटी होती है जीडी का जवान करता है। यानी कि जीडी की ड्यूटी जवान है, कुछ भी करता है वो, हर काम मतलब पारंगत होता है उसको, हर क्षेत्र के अंदर किसी न किसी, चाहे वो ऑफिस के अंदर भी काम आपको करने वाला मिलेगा तो जीडी का जवान आपको मिल जाएगा। इसके अलावा किसी एडम ड्यूटी के अंदर भी, कोई ऑपरेशन ड्यूटी है, चाहे कैंप मेंटेनेंस ड्यूटी है, कैंप सिक्योरिटी, हर प्रकार के अंदर करता है। सेम अगर इसका अपोजिट हम रेगुलर की बात करें तो अगर आप बिगुलर से भर्ती हो जाते हैं तो बिगुलर जो होता है वो ये मान के चलो कि जो मैक्सिमम बिगुलर जो होते हैं वो जीडी की ड्यूटी करते हैं। कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो अपनी लाइफ टाइम जो जॉब होती है, जितनी जॉब करते हैं वो जीडी की ड्यूटी करके आ जाते हैं, क्योंकि बिगुलर जो होते हैं मान के चलो कि एक बटालियन के अंदर 25 से ज्यादा बिगुलर होते हैं, 25 या 28 के समथिंग बिगुलर होते हैं, और बिगुल बजाने का मौका एक को मिलता है, जब वो छुट्टी जाएगा तो दूसरे को मौका मिल जाएगा, कभी कभी तीसरे को मौका मिल जाता है, मतलब मान के चलो मैक्सिमम दो या तीन को एक बटालियन के अंदर मौका मिलता है, लेकिन जो बाकी जो बजाते हैं वो लोग अपनी जीडी की ड्यूटी करते हैं। तो वो जो जीडी की जो ड्यूटी होंगी वो सेम जो एसएससी जीडी से जो भर्ती हो गया है बच्चा, वो भी मान लो एक प्रकार से देखेंगे वो जवान ऑपरेशन ड्यूटी करता है तो उसके साथ बिगुलर भी जाएगा, वो अगर कैंप सी को ड्यूटी करता तो बिगुलर भी सेम ही करेगा, इसके अलावा अगर वो कैंप मेंटेनेंस की ड्यूटी कर रहा तो वो भी करेगा, ऑफिशियल वगैरह ड्यूटी वगैरह अगर काम जानता तो वो भी कर सकता है। यानी कि बिगुलर भी लगभग ड्यूटी अगर आप देखेंगे तो सभी की दोनों वो सेम करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे बिगुलर का आपको कोर्स करना पड़ता है, जीडी के जवान को बिगुल का कोर्स नहीं करना पड़ता, और अगर आप बिगुल अच्छा बनाते हैं, आपकी हाइट वगैरह अच्छी है, आप स्पेशल गार्ड वगैरह चढ़ सकते हैं, आपको बिगुल बजाने का मौका मिल जाता है, नहीं तो बाकी आपकी ड्यूटी जो होती है दोनों की सेम ही होती है, जीडी के जो जवान ड्यूटी करता है वही ड्यूटी करता है। तो ये तो सबसे पहले आपको ड्यूटी समझ में आएगी, कोई फर्क है नहीं ड्यूटी का, बस यही है कि आपको कभी भी अगर अच्छा आपका हाइट वगैरह है और बिगुल आप अच्छा बजाना चाहते हो तो आपको बिगुल बजाने का मौका मिल जाता है, नहीं तो ड्यूटी आपको जीडी की करनी है। अभी इसके बाद में ट्रेनिंग जो होती है दोनों की सेम होती है, एसएससी जीडी का जो जवान भर्ती होके आएंगे जब उनकी ट्रेनिंग उसी बैच के अंदर, बिगुलर जो होते हैं वही उनका ट्रेनिंग शेड्यूल सेम, क्लासेज सेम, चीजें एक ही साथ रहना, एक ही साथ जाना, ट्रेनिंग में एक भी घंटे का कोई ट्रेनिंग एक्स्ट्रा नहीं होती है कि भाई जीडी वाले की एक्स्ट्रा होगी, बिगुल की कम होगी, दोनों की सेम ट्रेनिंग होती है, कोई फर्क इसके अंदर नहीं रहता है। और ट्रेनिंग भी आपको डिफरेंट समझ में आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर सबसे पहले सैलरी की, सैलरी जो होती है सैलरी वही 21,700 से एसएससी जीडी की शुरू होगी, बेसिक पे 21,700 आपकी कांस्टेबल बिगुलर की शुरू होती है। लेकिन क्या होता है कि जब एक जवान बिगुल का कोर्स कर लेता है और बिगुल जब बजाता है तो उसको बेसिक पे का 2% बिगुलर को एक एक्स्ट्रा स्पेशल अपॉइंटमेंट के रूप में अलाउंस मिलता है, जो जीडी के जवानों को नहीं मिलता है। जीडी का जवान जैसे कोई एक्स्ट्रा इसी को ड्यूटी करता है स्पेशल अपॉइंटमेंट की, जैसे कोई स्टोर वगैरह के अंदर इसी को ड्यूटी करता है उसको मिलता है स्टोरमैन वगैरह में, नहीं तो बिगुलर को 2% एक सैलरी का, जैसे मान के चलो कि आप स्टार्टिंग के अंदर मान के चलो कि 21,700 से आपकी बेसिक है, फिर आप कोर्स वोर्स करते मान के चलो कि 25,000 बेसिक होगी, तो 25,000 का 2% आपको 500 रुपये का एक्स्ट्रा अमाउंट बिगुलर को मिलता है, बाकी दोनों की सैलरी और सब चीज अलाउंसेज वगैरह सभी जो चीज होंगी जहां पे पोस्टिंग है वहां पे दोनों को सेम चीजें सेम मिलता है, कोई इसके अंदर फर्क नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर प्रमोशन की, तो प्रमोशन जो होता है जब ही आज की डेट के अंदर मान के चलो कि आज एक एसएससी जीडी का जवान भर्ती होता है, एक सेम कांस्टेबल बिगुलर से भर्ती होता है, तो दोनों का जब प्रमोशन का जब टाइम आएगा तो दोनों का प्रमोशन
एक ही दिन होगा, यानी कि एक ही सीनियरिटी दोनों की एक दिन के अंदर भर्ती हुए हैं, तो सेम ही होगा जब उनको प्रमोशन कोर्स के लिए भेजा जाएगा तो सेम डेट के अनुसार ये बोला जाएगा कि भी आज मान के चलो कि आज आपकी जो भी तारीख है, आज मान लो 2 मई है, तो 2 मई को अगर एक बिगुलर SSC GD से भर्ती हुआ दोनों को प्रमोशन कोर्स के लिए भेजना है, दोनों का साथ ही प्रमोशन आता है। और जैसे ही बिगुलर से आप होल्डर बनते हैं तो आप GD के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आप क्योंकि इनके अंदर कॉन्स्टेबल बिगुलर से हेड कॉन्स्टेबल बिगुलर नहीं होता, हेड कॉन्स्टेबल GD में चला जाता है, तो फिर उसके बाद में तो सेम ही होगा, कोई सिस्टम ही नहीं, दोनों को ट्रेड हट गई है, दोनों GD के हो जाते हैं। तो इसके अंदर भी आपका कोई फर्क नहीं है कि भाई प्रमोशन में आपको किसी प्रकार का इसके अंदर डिफरेंट आएगा। फैमिली लाइफ हो गई, ये आपकी डिपेंड करती है दोनों की, क्योंकि ड्यूटी सेम ही होती है दोनों की। मैंने पहले बताया आपको कि दोनों की ड्यूटी लगभग GD की ड्यूटी करनी है दोनों को, भाई जो नई ड्यूटी आ जाए किसी की, चाहिए वो कोई ऑपरेशन ड्यूटी में है। फैमिली लाइफ डिपेंड करती है आपकी कि आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र के अंदर, आपकी पोस्टिंग पैलेस के ऊपर आपकी जो फैमिली लाइफ होगी वो डिपेंड करेगी। दोनों ही पोस्ट एक ऐसी हैं कि ऑल इंडिया के अंदर हर जगह पोस्टिंग होती है, ऑपरेशनल एरिया हो चाहे पीसफुल एरिया, वो हर जगह पे पोस्टिंग होती है। तो आपको दोनों को ही ये मान के चलो कि फैमिली लाइफ जो होगी आपकी डिपेंड करेगी आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर कि आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र के अंदर होगी। आपकी पोस्टिंग मान के चलो कि बढ़िया जगह पे, तो आप फैमिली रखेंगे जो दोनों बिगुलर है चाहे GD का है। अगर आपकी पोस्टिंग नहीं है मतलब हार्ड एरिया में, तो कोई सा भी नहीं रख सकता है। तो ये डिपेंड करेगी आपकी पोस्टिंग पैलेस। नाइट ड्यूटी जो होगी दोनों पोस्ट की लगती है, बिगुलर की भी लगेगी और आपका जो GD से होगा इसकी भी लगेगी, क्योंकि ड्यूटी तो GD के जवान करते हैं और GD के सिमिलर पोस्ट बिगुलर है। तो ये तो आपको नाइट ड्यूटी अथोराइज्ड है और नाइट ड्यूटी आपकी लगेगी। उसके अलावा फैसिलिटीज़ की हम बात करें तो फैसिलिटीज जो होती हैं उस मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड होती हैं, वो चीज ट्रेड्समैन से बढ़ती है, चीज GD से बढ़ती है, सभी को बराबरी मिलती हैं, वो किसी के अंदर उसका भेदभाव नहीं, तो वो किसी रेगुलर के अपोजिट से किसी भी ट्रेड से होगा उसी ट्रेड से होगा, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो लगभग लगभग अगर आप देखेंगे ना तो हर क्षेत्र के अंदर इनकी सिमिलरिटी है। बस एक फर्क मैं यही बता दें, कभी कभी जब आपको बिगुल बजाने का मौका मिलता है बिगुल का कोर्स करना पड़ता है। अब इसके अंदर कुछ और जो डिफरेंट है वो ये है कि जैसे मान के चलो कि कहीं पे डेपुटेशन जब जाना होता है तो बिगुलर की जो पोस्ट होती है, बिगुलर का जो नुकसान होता है वही होता है कि जो डेपुटेशन वगैरह कहीं आती है तो उसके अंदर कॉन्स्टेबल जैसे IB है, NCB है, CBI है, ED है, लगभग इनकम टैक्स है, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर CRPF से जवान मांगे जाते हैं डेपुटेशन बेसिक पे, तो उसके अंदर कॉन्स्टेबल GD की वैकेंसी आती है, बिगुलर की वैकेंसी उसके अंदर नहीं आती है। एक बिगुलर को सबसे जो नुकसान है मेन, वो यही नुकसान है कि वो इसके अंदर आपका नहीं जा सकता है। जैसे डेपुटेशन में कभी कभी जैसे बिगुलर की पोस्ट आ जाए तो जहाँ तक मेरे चार नहीं आती है, लेकिन कभी आ जाए तो बात एक की दुखी पोस्ट नहीं, तो ज़्यादातर जो होते हैं डेपुटेशन में GD के जवान जाते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा नुकसान बिगुलर का ये हो जाता है। दूसरी बात ये है कि जैसे फॉरेन वगैरह के अंदर जैसे CRPF जाती है फॉरेन ड्यूटी के लिए जाती है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भाई एक अपना बाहर से भी किसी भी क्षेत्र में उसके अंदर देश के अंदर अगर मांगता है भी कंपनी मांगता है, तो उसके अंदर GD की जो वैकेंसी होती है जाता है, बिगुलर की 1 या 2 वैकेंसी होती है, तो उसके अंदर कंपटीशन फाइट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन GD की जो वैकेंसी होती है वो ये मान के चलो कोई 40-50 के आसपास के जो 70 तक के जवान होते हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा आपका चांस बनता है कि हमारे इसके अंदर सिलेक्शन होने की संभावना हो जाती है। बस यही है इसके अंदर। और बाकी अगर आप देखेंगे LDC एग्जाम जो भी होता है दोनों पोस्ट सेम होता है। LDC एग्जाम जिस पोस्ट के लिए GD का जवान LDC एग्जाम देगा, सेम आपका बिगुलर से जो भर्ती होगा वो भी आपका LDC से एग्जाम दे के आराम से अपना जेके कर सकता है। आगे की पढ़ाई वगैरह करने के लिए सेम NOC लेके दोनों के लिए सेम प्रोसेस है। और बाकी जो भी देखेंगे प्रोसेस वही है, बस डिफरेंट बस मैंने यही बताया कि डेपुटेशन वगैरह के अंदर थोड़ी सी इनको दिक्कत आती है, क्योंकि GD की वैकेंसी ज्यादा आती है, बिगुलर की वैकेंसी ना के बराबर होती, कहीं भी नहीं भी आती। मतलब डेपुटेशन में सिविल डिपार्टमेंट में बिगुलर की वैकेंसी नहीं आती। तो दोस्तों जहां तक मेरा विचार है, अभी आपका ही डाउट क्लियर हो गया कि दोनों पोस्ट पे भर्ती होने से हमको क्या फायदा क्या नुकसान, कौन सी पोस्ट पे हमें जाना चाहिए। तो जहां तक मेरा विचार है, अगर आपको दोनों में हो जाए तो आपके लिए SSC GD बेस्ट रहेगी, क्योंकि ड्यूटी तो आपको वही करनी है GD वाली बिगुलर से जाएंगे तो भी, लेकिन GD में जाने से आपको ये फायदा मिलता है कि जैसे भाई आपको एक तो कोर्स नहीं करना पड़ेगा बिगुल का, दूसरी बात ये होती है कि जैसे आपको किसी डेपुटेशन वगैरह के अंदर इन सब चीजों के अंदर आपको फायदा मिल जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में यही जानकारी थी, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो या फिर आपको इसके संबंध में कोई और जानना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।